अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लालची भाई। सुरेंद्र नगर में दो भाई रहते थे, केशव और माधव। बचपन से ही दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, पर केशव की शादी होते ही केशव की बीवी ने ऐसा रंग दिखाया कि दोनों भाइयों के बीच जायदाद को लेकर झगड़ा खड़ा हो गया। और फिर झगड़ा इतना बढ़ता गया कि दोनों भाई एक ही मकान में अलग अलग रहने लगे। गुजरते वक्त के साथ जब केशव को एक सुंदर सी बेटी हुई, इस खुशी में घर में फंक्शन किया गया जिसमें पूरे गांव को बुलाया गया, तब भी अपने ही मकान में ऊपर रहते भाई को नहीं बुलाया गया। धीरे धीरे उनकी बेटी जैसे जैसी बड़ी होने लगी, माधव छुप छुप कर उसे देखता। केशव और उसकी बीवी उषा अपनी बच्ची को एक ही बात सिखाते थे, मम्मी पापा, मम्मी मैं खेलने जाऊं? जाओ बेटी, मगर एक बात याद रखना, उस सीढ़ी की तरफ कभी मत जाना। क्यों? बेटा ऊपर एक खतरनाक राक्षस रहता है जो खूबसूरत बच्चियों को खा जाता है। बाप रे, तो इतने खतरनाक राक्षस को आप भगा क्यों नहीं देते मम्मी? मैंने भगाने की बहुत कोशिश की बेटा, पर वो इतना बेशर्म है कि घर छोड़कर भागा ही नहीं। ओके मम्मी, मैं उस सीढ़ी पर कभी नहीं जाऊंगी। दोनों माँ बाप ने बच्ची के दिमाग में ये बात पूरी तरह बैठा दी थी, पर एक दिन कागज का प्लेन उड़ते हुए सीढ़ी पर जाकर अटक जाता है। बच्ची पहले तो डर जाती है कि अपना प्लेन कैसे निकाले, पर फिर ऊपर किसी को ना देखकर वो सीढ़ी पर चढ़ जाती है और प्लेन निकालने की कोशिश करती है, पर सीढ़ी की रेलिंग में उसका सर फंस जाता है। वो काफी कोशिश करती है पर सर ना निकलता देख डर जाती है, चीखने लगती है, अरे सुनो सुनो। मगर वो कहते हैं ना, अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो हल्के से छूने से भी प्यार का एहसास हो जाता है। शायद वो एहसास परी जैसी मासूम बच्ची को भी हो गया था। अब आते जाते वो छुप छुप कर माधव को देखती थी। आखिर एक दिन वो उसके लिए बड़ी सी चॉकलेट लेकर आता है। चॉकलेट देखते ही बच्ची धीरे धीरे डरते डरते उसके पास आती है। चॉकलेट खाओगी? खाऊंगी, पर आप तो मुझे नहीं खाओगे ना। मैं भला तुम्हें क्यों खाऊंगा? क्योंकि तुम राक्षस हो ना। किसने कहा? मम्मी पापा ने, उन्होंने कहा उस सीढ़ी पर कभी मत जाना, ऊपर एक खतरनाक राक्षस रहता है, वो खूबसूरत और मासूम बच्ची को खा जाता है। मैं भी तो मासूम बच्ची हूँ ना। हाँ, पर मैं राक्षस नहीं हूँ ना, राक्षस पहले था, मैंने उसे मारकर भगा दिया। सच्ची? हाँ, राक्षस तो देखो ऐसा होता है, देखो इसके सिर पर सींग है, लाल लाल आँखें हैं, बड़े बड़े बाहर निकले हुए दांत हैं, पर मुझ में तो ये सब नहीं है, मैं तो तुम्हारा चाचू हूँ। उस दिन पहली बार दोनों चाचा भतीजे की दोस्ती होती है। फिर तो ये दोस्ती दिन ब दिन गाढ़ी और गाढ़ी होती चली जाती है। चाचू न सिर्फ उसके लिए चुपचाप चॉकलेट लाने लगते हैं, बल्कि उसके साथ तरह तरह के गेम भी खेलने लगते हैं, जैसे लंगड़ी खेलना, बॉल से कैच कैच खेलना। वो उसके साथ कागज के कई प्लेन बनाकर भी उड़ाता है। दोनों में प्यार गहरा और गहरा होता जाता है। अब दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं। हमेशा इंतजार करते हैं कि कब परी के मम्मी पापा बाहर जाएं या मम्मी काम खत्म करके सो जाए और दोनों मिलकर जी भर के खेल सके। मगर एक दिन उन्हें खेलते हुए परी की माँ देख लेती है। रात को केशव के आते ही माँ शिकायत कर देती है तो केशव भी चिल्लाता है, परी मना किया था ना तुम्हें, खबरदार जो आइंदा से उस राक्षस की तरफ देखा भी तो। वो राक्षस नहीं है, बहुत अच्छे है मेरे राक्षस चाचू। चुप, अगर दोबारा देखा तो टांग तोड़ दूंगा। मगर मासूम बच्चों का डर ज्यादा दिन नहीं रहता।
एक दो दिन गुजरने के बाद फिर से वो माधव से मिलने लगती है। फिर दोनों खेलने लगते हैं। वो अपने राक्षस चाचू से मिलकर बहुत खुश होती है, मगर फिर से वो पकड़ी जाती है और इस बार सचमुच केशव उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करता है। परी, मैंने तुम्हें मना किया था ना उस राक्षस से मत मिलना, अब देखता हूँ कैसे मिलती हो तुम। उषा, आज से इसका इस कमरे से निकलना बंद। अगर इस बार कमरे के बाहर निकली तो अब की बार सचमुच में तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। और उसके बाद सचमुच दोनों पति पत्नी बच्ची का कमरे से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। बेचारी परी मन महसूस कर रह जाती है। वहीं माधव भी बार बार हसरत भरी नजरों से सीढ़ी पर खड़ा खड़ा परी के कमरे की ओर देखता है। मासूम दिल ये दूरी ये कैद बर्दाश्त नहीं कर पाता है और धीरे धीरे टेंशन में परी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर आकर चेक करता है। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है केशव भाई। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो फिर ये बीमार सी क्यों लग रही है? इसे अंदर ही अंदर कोई बात है जो परेशान किए हुए है। ये उसी का असर है। जब तक इसके अंदर से वो बात खत्म नहीं होगी ये ठीक नहीं होगी। अगर ऐसा ही रहा तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या? डॉक्टर के बाहर आते ही माधव भी बेसब्री से उससे पूछता है, तो माधव को भी डॉक्टर वही बात बताता है। अगर इसके दिल में जो बात है या जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर इसके दिल में जो बात है या जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर इसके दिल में जो बात है या जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ बच्ची अपने कमरे में बीमार सी बड़ी बड़ी आंखें खोले शून्य में देखती सी लेटी है। माँ उससे बात करने की कोशिश करती है, पापा भी, पर वो कोई जवाब नहीं देती है। ये देख दोनों घबरा जाते हैं। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? परी, परी, परी बेटा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? डॉक्टर ने कहा है अगर आज ये कुछ नहीं बोली तो। राक्षस चाचू। माधव, मेरी बच्ची। कुछ नहीं होगा हमारी परी को, परी। राक्षस चाचू, मुझे आपके साथ खेलना है। हाँ हाँ, खेलना, अपने राक्षस चाचू के साथ खेलना, बस जल्दी अच्छी हो जाओ। चाचू चलो, हमको प्लेन उड़ाना है, बॉल से खेलना है। लगता है बच्ची की इच्छा पूरी हो गई, अब इसे कुछ नहीं होगा। शी इज आउट ऑफ डेंजर। पर ये हुआ कैसे? बस ये समझ लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा अपना खून कुछ देर के लिए मुझसे जुदा हो गया था। शायद उस खून की कमी की वजह से ही ये बीमार हो गई थी। हाँ, आज परी ने मुझे एक बात सिखा दी है कि अपना खून अपना ही होता है, उसे जड़ जमीन और जोड़ू कोई भी अलग नहीं कर सकता।